हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द कॉस्टिक सोडा एंड इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला NaOH। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट इज डन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इन अ कास्टनर कैलनर सेल। तो ये एक स्पेशल सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है यूजिंग दी मर्करी एज दी कैथोड एंड कार्बन एज दी एनोड। तो मर्करी को यहाँ पे कैथोड की तरह यूज किया जाता है और कार्बन को यहाँ पे एनोड की तरह यूज किया जाता है। तो अब जो आपका सोडियम मेटल है जो इस कैथोड पे डिस्चार्ज होगा वो इस मर्करी के साथ कंबाइन करेगा एंड विल गिव यू दी मर्करी एमलगम। और जो आपकी क्लोरीन गैस है वो आपकी एनोड पे इवॉल्व हो जाएगी। तो कैथोड की रिएक्शन देखते हैं, जैसे सोडियम प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ओवर दी कैथोड, और यहाँ पे क्योंकि हमारी मर्करी की इलेक्ट्रोड है तो उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा सोडियम जो फॉर्म होगा ओवर दी मर्करी कैथोड, इसके साथ ये रिएक्ट करके दिस विल गिव यू दी मर्करी एमलगम। अब जो एनोड है आपका वो क्या करेगा, यहाँ पे Cl- जो है यहाँ पे जो होगी वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब क्लोरीन गैस जो है आपकी वो इवॉल्व होगी ओवर दी एनोड। तो एमलगम जो है आपका इट इज ट्रीटेड विद दी वॉटर टू गिव दी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम एमलगम को जब हम वॉटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में आपको आपका जो मर्करी है वो मिल जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज अराउंड 591 केल्विन। दिस इज आल्सो रेडिली सोल्यूबल इन वाटर टू गिव दी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो जब ये वाटर में जाता है तो वहां जाके आपको काफी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, दैट इज Na प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होगा। Now because of the presence of these hydroxyl ions, यहाँ पे ये हमारा solution जो है उसको यहाँ पे alkaline कर देता है। अब जो sodium hydroxide के crystals हैं, they are also deliquescent in nature. तो वहाँ पे भी कुछ water molecules present होंगे। अब जो आपका sodium hydroxide solution है, at the surface, वो क्या करता है कि वो CO2 के साथ react करता है and gets converted to the Na2CO3. तो ये जो NaOH है वो सरफेस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट है, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट किया एंड इट विल गिव यू Na2CO3 प्लस वाटर। तो इस तरीके से ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज थी। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स यूजेस, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स। It is also used in the petroleum refining purpose for the purification of the bauxite, जो कि हमारा एक ore है aluminium का। It is used in the textile industries for mercerizing the cotton fabrics. तो आपके cotton fabrics को treat करते हैं with this caustic soda ताकि आपका जो ये cotton fabrics है उसको थोड़ा color और luster मिले। It is also used for the preparation of the pure fats and oils and it is mainly used as a laboratory reagent. तो आप अपनी titrations में और भी further आपको कोई research करना है तो वहाँ पे मतलब ये as a useful laboratory reagent जो है use किया जाता है. So this was all about the sodium hydroxide. Thank you.